चल रही थी, गर्मी नहीं लग रही हमको, बट जब गुरु जी चोले में थे ना और हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे, जब वहां जाते थे तो एक दो एसी, एक छोटा सा विंडो एसी, इतना बड़ा हॉल एम्पायर स्टेट का, इतना बड़ा हॉल, और उसमें गुरु जी के जहाँ गुरु जी बैठते थे उनका आसन था, उसके ऊपर एक विंडो एसी और पीछे कहीं एक विंडो एसी, और पंखे भी इतने सारे ही लगे हुए थे। अगर दो पंखों के बीच में कोई बैठ गया उसकी तो हालत खराब, उसके तो पसीने पसीने, दो दो रुमाल उसके गीले हो जाते। हमें भी बड़ी गर्मी लगती थी, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं लगती थी उस टाइम में, पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता था उसको। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि जब गुरु सामने बैठा हो तो ध्यान इधर उधर कैसे जा सकते, ये तो गर्मी में नहीं लगती हम, और इतनी गर्मी पसीने आ रहे होते थे, और बट कभी कभी तो गुरु जी एसी भी नहीं चलवाते थे, सिर्फ पंखे में कहते थे बैठो, और कहीं में लाइट चली जाती थी, पंखा भी ऐसे धीरे धीरे भी रोता हुआ चलता था। तो वहीं पर आपको पता लग जाता है कि लोग गुरु को मिलने आते हैं और सच में ऐसी जगहों पे आते हैं कि वो सब कुछ भूल जाए। अगर हम ये सोचे कि हाय पसीना टपक रहा है, बड़ी गर्मी है, पानी पीते जाते, तब तो पानी भी नहीं मिलता था, तो पानी थोड़ी ना सर्व होता था हमको, जब गुरु जी थे छोले में पास से थे, इतनी गर्मी होती थी तो कोई पानी भी नहीं होता था, सिर्फ चाय प्रसाद चलता। तो ये जो गुरु जी ने आप सबको बड़ी सहूलियतें दी हुई है, ऐसा नहीं सोचो इवन बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस में आपको इतनी गर्मी लगने भी नहीं देते, इतने बड़े बड़े कूलर्स लगा देते हैं, इतना बड़ा इतना अच्छा अरेंजमेंट होता है संगत के लिए, तो ये सोचो कि बहुत भाग्यशाली है। उस टाइम में तो कुछ नहीं होता था हमारे लिए, हम तो ऐसे ही फर्श में बैठ गए ऐसे करके। सो ये सोचो कि गुरु जी ने सबको जिसको कहते हैं ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको आराम भी दिया है बहुत सारा, तो इसलिए गर्मी सर्दी हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैं आपको सर्दी की भी एक बात बताती हूँ। 31 दिसंबर था 2006 का, और उस दिन इतना कोहरा था 31st को कि मैं और ये आंखी सामने में इतना भी हमको नजर नहीं आ रहा था, इतना कोहरा था हमारे बीच में। और रात के 12:30 बज गए हैं, पहले तो नाचते रहे, हमें पता ही नहीं लगा बाहर कोहरा है कि नहीं है। जब बाहर गए लंगर खाने 12:30 बजे, तो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं खाने गई तो लंगर था, तो मैंने कहा अच्छा, तो वहां पर एक पड़ा थी आधी रोटी, मतलब जैसे होता है, तो मैंने आधी गिराई खाई हुई, और मैं मन में यही सोचा कि आज तो लंगर की कमी होगी, क्योंकि बन रहा था और हमको चलो पता ही नहीं कुछ भी, और भी लंगर बन रहे थी, संगत आई थी। एनीवे वहां पंडाल में जाते हुए लंगर था, लंगर को ढूंढते हुए पता नहीं लग रहा था कौन सा काउंटर था, इतना फॉगी था, इतना ज्यादा फॉगी। एनीवे उसके बाद गुरु जी ने गरम गरम दूध पिलाया, वो बहुत बादाम राम श्रीराम दाल के पता नहीं क्या क्या उसके बाद पिलाए, कि बर्तन लंगर होंगे तो भूल ही गया। सो ये गर्मी सर्दी गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं है, हम लाख कोशिश कर ले कि हमें लगा कि गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लगती है, बट आई थिंक गुरु जी के साथ उनकी ठंडक ज्यादा है हमारे जीवन में। जब हम शबद कीर्तन के आज बैठ के सुन रहे थे, आज ऐसे लग रहा था कितने दिन बाद ना कैदी ना कैद से निकला है ना, बहुत ऐसे ही लगा, ऐसे लगा जैसे आज तो वो दरवाजे उन्हें खोल के बाहर सारे घुस गए अंदर करे, आज तो सत्संग में थोड़े से जने, हाँ जी हाँ जी ठीक है, मौका मिला चलो चलो चलो, और सबको बोला नहीं नहीं हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, अब क्या बोलो किसी को, प्रॉब्लम तो ये सब वैसे कहीं सत्संग हो रहा है वो तो चुप्पी साधी ना, जय गुरु जी बोला ना कुछ होके आगे आगे चलो, क्योंकि ना बोल सकते हो हाँ ना कुछ बोल सकते। तो ये भी जो समय है, आज उनका बर्थडे है गुरु जी का, नॉर्मली क्या होता है गुरु जी के बर्थडे में बारिश जरूर आती है, ऐसे कई मौके आए कि मैं आपको ना छोटी सी बात बर्थडे की सुना देती हूँ। जिस दिन 2006 में जब गुरु जी का बर्थडे था, तो तब उन्होंने क्या कहा था कि एक दूसरे माँ बाप उस पर इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लंगर रखने हैं, और जब वो लंगर रख रहे थे तो वहां पर ना इतनी बारिश आई कि वो पंडाल जो पीछे वाला गेट है ना 11 नंबर का वहां पर था, और वहां से बड़े मंदिर से लेके हमें 11 नंबर का में लंगर करने जाना था, और बिना चप्पल क्या निमाजों से मैंने साड़ी भी पहनी थी, ओहो मैंने कहा गुरु जी ये तो टेस्ट
करते हैं, पूरी साड़ी उठाओ, कीचड़ से चलते चलते बारिश हो रही है, कुछ पता नहीं लंगर नहीं खिला हुआ, उसमें तो सब लगा हुआ था क्या, किसी बारिश में लंगर वंगर सब हमने खा लिया, फिर वही कीचड़ से वापस गुरु जी के पास गए। सो उनके अंदर बारिश हुई, फिर एक बार गुरु जी जब झूला छोड़ा, एक आई थिंक 2009 या 10 की बात है, 7 जुलाई के दिन कितने लोग तो मंदिर ही नहीं पहुंचे, आई थिंक 10-11 की बात है, मुझे याद नहीं कौन सा ईयर था, इतनी तेज बारिश, कुछ दिखाई ना दे ड्राइवर को, और मेरी तो पूरी गाड़ी भरी हुई, यू नो वो कह रहे कब आएगा, सारे ट्रैफिक जाम, मैं कहा गुरु जी जो भी है पहुंचना तो है चाहे कुछ भी हो, कई लोग गाड़ियां मोड़ के वापस आए, मतलब आधी से ज्यादा संगत वापस आ गई, हम आज पूरे गीले अंदर पहुंचे, कोई परवाह नहीं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट भी क्या कह लो, एक ठानने की होती है आपको मन में कि हाँ करना है तो करना ही है। तो इसीलिए ये भी उनकी अपनी एक खेल होता है, उस वो उसको परीक्षा समझ लो, उसको टेस्ट समझ लो, पार उतर गए घबरा गए, हम लोग रह गए अब छोड़ो यार क्या जाना है, ऐसा होता है ना हमारा एटीट्यूड, छो की करना है जाके या फिर घर बिच ही करना, ऐसे भी होता है। बट अब संगत ज्यादा बढ़ गई है तो अब मुझे लगता है कि सारे सारे अपने घर में जैसे 7 जुलाई का फंक्शन कर लेते हैं या कोई भी यू नो गुरु जी का फंक्शन होता है वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी संगत अकोमोडेट हो भी नहीं सकती, तो अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो गुरु जी ने अब सबके घरों में ना मंदिर खोल दिए हैं। सो ये भी देखो गुरु जी की कितनी बढ़ियाई है कि कोविड के टाइम पे लोग जिनके परेशान हुए पर ब्लेसिंग है, जिन लोग जिनके घर में कभी सत्संग नहीं हुआ था, जो शर्माते थे सत्संग करते हुए कि भाई हमारे घर वाले यू नो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, परिवार भी बैठ के कर सकता था क्योंकि भीड़ भाड़ होती है कौन इतना करे, अब सबों ने घर में अपने दरबार लगा के बैठते हैं, वो एक जांच आ गई है ना, 2 घंटे बैठते हैं घर वाले भी इसमें से जुड़ गए। सो एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग, जो भी गुरु जी करते हैं जो उनको पता होते हैं वो सब एक ब्लेसिंग होती है। हम सोचते हैं कि मैं आपको छोटी सी बात बताते हैं, हम सोचते हैं कि कितनी परेशानी है ना लाइफ के अंदर, पर बाद में गुरु जी बताते हैं पता क्यों आई थी, ये सब कारण है, और मैं इसमें हंस पड़ती हूँ, मैंने कहा वो गुरु जी क्योंकि ना अरदास मैंने कोई और लगाई थी, उसकी वजह कैसे कैसे बन के गॉड गुरु जी की कैसे हो सकती है, अरदास वैसी भी नहीं, जैसे अपनी मन की बात कह रही हो ना वो कह रही और गुरु जी ने उसको कैसे पूरा किया, मैं आज हैरान होती हूँ, पर मैं अभी नहीं सुनाऊंगी इसका सत्संग, थोड़ा टाइम मेरा रुक जाओ उसके बाद सुनाऊंगी। सो ये टेंशन बनी, सो सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, आपने अपना सफर तय करना है, कैसे तय करना है ये आप डिसाइड करोगे, और गुरु जी की शरण में जब आप जाते हो तो बहुत प्रैक्टिकल है गुरु जी की जर्नी, आप सोचते हो कि ये क्या यू नो कई बार ऐसा होता है, कई सवाल होते हैं कि ये क्या गुरु जी लगा रखा है, सत्संग सत्संग यू नो सारा टाइम सत्संग पे यू नो जाते रहते हो, सत्संग करते रहते हो, ये करते रहते हो, बट सत्संग बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आज हम यहाँ बैठे हैं सत्संग में, ऐसी जो एनर्जी जो बरस रही है, ये आप 100 लोग शादी वाले घर में इकट्ठे कर लो, सबके मुंह टेढ़े मेढ़े से रहे, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई एनर्जी नहीं होती, सब नेगेटिविटी होती है, बंदा जो अच्छा खासा पॉजिटिव होगा ना वो भी खींचा जाता है उसके अंदर, वो नया कितना नहीं कितना, बट यहाँ पर आप बैठे आप खुद भी महसूस करोगे कि जो एनर्जी जो ऊर्जा है ये प्रैक्टिकल है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है कि एक जोत चला दी गुरु जी की, ये अगरबत्तियां जला दी, आसन लगा दिया, शब्द लगा दिए, नहीं, प्रैक्टिकल ये चीज है कि गुरु जी आपको एनर्जी महसूस कराते हैं, ये प्रैक्टिकल है। सत्संग क्या करता है, सत्संग के मायने क्या है, गुरु जी को हम गुरु जी का गुणगान क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम उनका गुणगान करते हैं ना तो हमारे अंदर कई चीजें जो होती है ना वो निकलती जाती है, नेगेटिविटी तो हम भरे हुए, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी में, इतनी नेगेटिव होती है कि आपको निकालना मुश्किल होता है, पर सत्संग करते करते गुरु जी की बात करते करते, गुरु जी की बात करते हो तो पॉजिटिव बात करोगे ना, नेगेटिव तो करोगे नहीं, तो वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर आती है। दूसरी चीज, गुरु जी आपको हिम्मत बड़ी देते हैं, सत्संग से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, हिम्मत मिलती है, हिम्मत और पॉजिटिविटी क्या करती है, हमारा जीवन चलाती है, तो ये प्रैक्टिकल चीज है, जो स्पिरिचुअल आप गुरु जी से जुड़ते हो तो स्पिरिचुअलिटी आपको प्रैक्टिकल है, ये कोई ऐसे नहीं है कि आप मूंद करके 24 घंटे सिमरन किया
लिया, वो जी सारी आत्मा निकल गई और वो निकल गई वापस आएगी हम सैर करके आगे, ऐसा नहीं है। जब सत्संग में बैठते हो तो गुरु आपको देता है, क्या देता है, एक एनर्जी देता है, एक ऊर्जा देता है, एक आपको जीने की शक्ति देता है, ताकि आप रोजमर्रा के जीवन को आप निभा सको और हंसी खुशी उसको जी सको। ये है सत्संग का मतलब, ये है गुरु के पास आना। बाकी सब चीजें तो होती रहती हैं, आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से आपका कल्याण होना ही है। इस वो कहते ना इबादत कर, इबादत करना घर बनती है, आज किसी की बनेगी नहीं तो कल किसी की बन जाएगी। सब अपने अपने सफर में चल रहे हैं, आज इसका हो गया कल उसका हो जाएगा परसों उसका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी की नज़र हम पे नहीं है, गुरु जी की नज़र 24 घंटे रहती है, वो हम सब रहते हैं, वो अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो अगर आप ये बोलो कि सत्संग क्या सत्संग क्या सत्संग, ये सत्संग के मायने है कि आपको एक जीने की उमंग देता है सत्संग, आपको सही दिशा देता है। आप जब सबसे ज्यादा फंसे होते हो और जब आप गुरु के पास आके 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा बैठते हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम्स कहीं बाहर आप छोड़ आए हो और जो आधा घंटा आपको चाहिए था जो दिमाग की उथल पुथल को गुरु ने वो शांत कर दिया है। और जैसे वो शांत कर दिया आपको तो आप जब घर वापस जाते हो तो आप एक डिफरेंट तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है, ये कोई ऊपर से ऐसे नहीं आ रही कि उन्होंने तस्करी से गुरु जी ने आना है बम बम बोले करते हुए गुरु जी ने आना है और बोला चलो चमत्कार हो गया। नहीं, गुरु जी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको एक जीने की राह भी बताते हैं, हिम्मत भी देते हैं और आपको धक्का देते हैं, चल चल चल। जब आप बैठ जाते हैं और देखना आपको गुरु जी धक्का देते हैं तो चल कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ ना तू चलती जा, तो हमारे कर्म भी कट जाते हैं, हम हंसते भी रहते हैं, रोते भी रहते हैं, बिलखते भी रहते हैं, बट सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम सोचते हैं कि गुरु हमारे साथ चलते हैं। कितनी भी तकलीफें हैं हमको ये विश्वास होता है कि गुरु मेरे अंग संग रहता है, चलता है और मैं इससे घबराऊंगा नहीं, घबराऊंगी नहीं और चलती जाऊंगी। तो ये है गुरु जी की हिम्मत, ये है गुरु जी का क्या कहते हैं प्रैक्टिकल तरीका कि आपको ये सब चीजें देते हैं। तो सत्संग के मायने भी ये है, बड़े मंदिर जाने के भी मायने ये है, सेवा करने के भी मायने ये है कि आपको जीने जीने की एक दिशा देंगे और आपको हिम्मत देंगे रोजमर्रा की जिंदगी जीने का। ये नहीं कि एक दिन बड़ा अच्छा लगा तो दूसरा दिन अच्छा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल चीजें हमारे जीवन में है। तो गुरु जी भी हमारे वैसे ही प्रैक्टिकल है, इतने दयालु है, इससे ज्यादा मैंने कहीं नहीं देखे। कोई परमात्मा सभी अच्छे हैं पर मेरे को हमेशा लगता है कि मेरी तो पहुंच गुरु तक है और जो वो देते हैं उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो आज हम